खबर यह है कि रमजान शुगर मिल केस में तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। नैब ने एलामिया जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुलजिम नामजद रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताइएगा। नीलम बुखारी, नैब ने जो आज रमजान शुगर मिल का रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया, जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जो है मुलजिम जो है ठहराया गया। जो अलामिया जारी किया गया नैब की जानिब से, उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ को जो है 1990 में रमजान शुगर मिल जो है विरासती जायदाद के तौर पर मिली थी, ताहम उसे हमजा शहबाज के नाम मुंतकिल कर दिया गया था। और 1990 में पंजाब हुकूमत का जो डिपार्टमेंट था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने लेटर भी लिखा था कि इसके लिए खसूसी जो है नारे की तमीर की जाए, ताकि फजला जात जो है फैक्ट्री के उसमें डाले जाए। लेकिन 24 साल गुजरने के बावजूद भी रमजान शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से जो है वो नाला तमीर नहीं करवाया गया था। 2014 में रमजान शुगर में सबक वजी अला जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए सरकारी खजाने से 21 करोड़ रुपए खर्च किए और ये नाले की तामीर शुरू की गई। इस हवाले से नैब ने जो है मुतलका जो लोग थे गाँव के तौर पर उनके बयान भी रिकॉर्ड किए, और उसके बाद ये चीज सामने आई कि ये जो नाला की तामीर की गई थी सरकारी पैसे से की गई थी, और इसका मकसद रमजान शुगर मिल को जो है फायदा पहुंचाना था। जिस पर नैब ने जो है तहकीकत शुरू की, और अब इख्तिताम जब तहकीकत मुकम्मल होगी तो उसका रेफरेंस जो है एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। जी ठीक है, एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ है। शुक्रिया राहिल सैयद।